2013 तक एकजुट होकर के संघर्ष किया, वैसा का वैसा 2019-23 तक संघर्ष रखे और वापस आपके हर कदम के साथ आएंगे। ये जो एक डेढ़ महीने का पीरियड निकला है जिसमें आप नगर साहब आप नहीं आए, नागौर नहीं आए, अभी कोई आने का ओकेजन भी नहीं था, तो मैंने दो बातें बीच में दूरी छोड़ दी। एक ये कि हम सब उसी तरीके से नवंबर के अंदर नगर पालिकाओं के चुनाव होगा और डीडवाना में चुनाव होगा, मेरे को एक महीना रुकना पड़े, दो महीना रुकना पड़े, वापिस डीडवाना में अपन भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ाएंगे। पिछली बार अपने दो पंचायत समितियां बनाई थी, थोड़ा लोगों के मन में तीज थी कि भाई मैं मोहला से चले गए, किसी का था भाई मतलब जो डीडवाना छूट गया। मैं उस बात को आज क्लियर करना चाहता हूँ, किसी भी सीधा तो छुटता दो पंचायत समिति, चाहे मतलब मान लीजिए ठाकुर नहीं जाता, या मान लो ये मान लो कि मंडूगरा नहीं जाता, तो कोई गांव भी जाता है उसमें आपको आधे आधे करने के लिए कोई गांव आपको तो इधर से उधर करना पड़ता। आप पंचायत समिति मतलब डीडवाना में जा जाके बैठो या मोड़ा से बैठो, अब अपना निर्धारण तो अब जो गई बात को तो छोड़ो, जो गई अच्छी भी तो होगी, जो खराब भी तो होगी, अब अपने पास एक पूरा 11 महीने बचे। अब के 11 महीने बाद पंचायत समिति के चुनाव, अब के 8 महीने बाद 9 महीने बाद नगर पालिका को चुनाव, और उस अभी से 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव, मतलब इस 12 महीने के अंदर लोकसभा, नगर पालिका और पंचायत समिति, ये तीन चुनाव इन इस पीरियड में होंगे। तो मेरा ये कहना है ये जो तीन बैठे ये मुख्य मुख्य कार्यकर्ता, सामान्य जन कहते हैं सामान्य जन किसी हर व्यक्ति के पास कोई कोई दायित्व है, कोई सरपंच है तो कोई पंचायत समिति सदस्य है तो कोई मंडल अध्यक्ष है तो कोई जिला अध्यक्ष है तो कोई भी मतलब जो मंडल अध्यक्ष है कोई महामंत्री है कोई पार्षद है कोई कुछ, मैं जितने चेहरे मुझे दिख रहे हैं उनके पास भारतीय जनता पार्टी की कोई कोई जिम्मेदारी है, किसी भी वर्ग की जिम्मेदारी हो सब जिम्मेदारी लोग हो, और मेरे हिसाब से इतने जिम्मेदारी वाले लोग पूरे क्षेत्र में 12 महीने मेहनत करेंगे और टीम के रूप में करें तो निश्चित रूप से ये तीनों चुनाव में जीत आपकी होगी। कोई भी रोक सकता अपना इतना मतदाता वहां है, समन्वय बढ़ा करके एरिया वाइज आप क्षेत्र में काम करो और अपन मिलकर के सदस्य। तो मैं पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि मैं फांसी दूर हूं, किसी भी क्योंकि 20 साल का एसोसिएशन है उस एसोसिएशन, दूसरा फिर गांव के लोग कुछ आए हैं बड़े बड़े अपने को समर्थन किया था सिगौ इतना मेहनत कर रहे हैं और मुक्ता जी का वो मैडम भी है आपके पास भी जिम्मेदारी है, चौधरी साहब बैठे हैं, लागत भाई बैठे हैं, लागत भाई ने बहुत बहुत मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं कि मैं राजस्थान का मंत्री था, उसमें टॉप में आता था निवाई भाई, उसमें कोटा बारा झालावाड़ सब था, इसलिए आओ साहब उधर बेग सर से सारे साथियों का स्वागत है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं टोंक के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि 19 दिन तक उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके चुनाव परिणाम जो रहा था अपने को उसका मेन गेट नहीं निकाला, जिसने साथ दिया उसका भी धन्यवाद, जिसने साथ नहीं दिया उसका भी धन्यवाद। मुझे पूछा कि वहां टोंक में लोगों ने काम किया कि नहीं किया, उनका सब काम किया सबने काम किया, उसको अपने को दोहराना नहीं, डीडवाना में जो होना था वो
हिलोड़ा में लौटा था वो, लेकिन मुझे खुशी है कि आज भी टीम इट इज बनती हुई। कांग्रेस का राज आ गया, सबको पता है कि कांग्रेस का राज आ गया, कांग्रेस का एमएलए आ गया, कांग्रेस का सब कुछ आ गया, उसके बाद में भी एक उठती टीम है, तो इसका मतलब इस टीम में ताकत है और ये टीम कुछ भी कर सकती है। तो मैं आपसे दो ही निवेदन करूंगा कि आप सबसे पहले नगर पालिका का चुनाव एकजुट होकर करो, और नगर पालिका वर्तमान के पार्षद बैठे से मैं एक बात मानना चाहूंगा, समय अच्छा बुरा था, मैंने 20 साल तक मेहनत करके इस जीवन को खड़ा किया, पिछले 5 वर्षों में रात और दिन एक एक चीज को अपनी आंख के सामने उसकी योजना बनाना, उसको लागू करना, उसको मेहनत करके बनाना, उसको किया। और पार्टी ने मुझे 10 मिनट में कहा कि आपको डीरोने मुझे टोक जाना, मैंने उस आदेश को माना क्योंकि मैं पार्टी का सिपाही था। इसी ग्राउंड पर आपने बार बार कहा कि आप निर्दलीय लड़ लो, आपने कहा कि डीरोना से लड़ लो, मैंने आपको उस समय बनाया क्योंकि मेरे पर पार्टी का माननीय वसुंधरा जी का सबका एहसान था, मैं पार्टी का कार्यकर्ता था और मैं ये मिसाल पेश नहीं करना चाहता था कि साहब जब राज रहा मंत्री रहा जब तो पार्टी का, और अब राज मान लो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, टिकट नहीं मिली तो पार्टी